गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज के क्लास में हम लोग मोड ऑफ हीट ट्रांसफर सीखेंगे, यानी कि कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ठीक है, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो इसमें सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि कंडक्शन क्या होता है। इसके लिए हम लोग को एक छोटा सा एक्टिविटी करना होगा। सपोज ये आपका क्लैंप है, क्लैंप में हम लोग एक मीटर का रॉड जो कि स्टील का है उसको क्लैंप कर दिए हैं और इसके एक एंड को हम लोग हीटिंग सोर्स से हीट कर रहे हैं। ठीक है, और हम लोग क्या किए हैं कि 5-5 सेंटीमीटर के गैप पे हम लोग मोम का ड्रॉपलेट यहाँ लगा दिए हैं और इसमें एक पेपर को क्लिप करने के लिए जो एक पिन आता है वो पिन को हम लोग यहाँ पे चिपका दिए हैं। इस पिन का वेट काफ़ी कम होता है तो इसको आसानी से आप चिपका सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि जब ये मेटल हीट होगा तो हीट होने से क्या होगा, ये हीट इधर ऐसे से ट्रांसफ़र होगा और ट्रांसफ़र होने के बाद क्या होगा कि ये आपका कील पहले गिर जाएगा, उसके बाद ये, 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 इस तरह से कंटिन्यूस कील आपका गिरते जाएगा। तो इसमें जो इस तरह का जो हीट ट्रांसफ़र होगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्शन। और ये इसमें होता कैसे है वो आप देख लीजिए। जैसे कि होता क्या है, जैसे ही आप यहाँ पे आप हीट दिए तो इसका जो मॉलिक्यूल है उसका, जैसे ये आपका पहला मॉलिक्यूल, इसका क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा जिसके कारण ये अपने मेन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा। जब ये वाइब्रेट करेगा तो इसका जो एडजेसेंट मॉलिक्यूल है वो, उसको भी एनर्जी मिलेगा और वो भी वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा। फिर इसका वाइब्रेशन का एनर्जी अब इसको मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी इसमें भी आ जाएगा, ये भी वाइब्रेट करेगा। इसी तरह से आपका क्या हो जाएगा कि सारा मॉलिक्यूल वाइब्रेट करने लगेगा और आपका हीट इस एंड तक ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस तरह के हीट ट्रांसफ़र के मोड को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्शन। तो ऐसा हम लोग को देखने किस में मिलता है, मेटल में। ठीक है, मेटल में हीट का ट्रांसफ़र इस तरह का, मतलब कंडक्शन के थ्रू होता है। और इसमें हम लोग दो टॉपिक और पढ़ लेते हैं जिसमें कि है एक कंडक्टर, एक है इंसुलेटर। ठीक है, तो कंडक्टर वो है जिसमें कि आप लोग ऑब्जेक्ट के एक एंड को यदि आप हीट करते हैं तो हीट आपका ट्रैवल करके दूसरे एंड तक पहुंच जाता है तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये कंडक्टर है। लेकिन यदि आप एक ऑब्जेक्ट को हीट किए और इसका हीट दूसरे एंड तक नहीं पहुंचा तो हम लोग क्या बोलते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो इंसुलेटर है। ठीक है, तो ये हम लोग का कंडक्शन का बात हो गया। अब हम लोग कन्वेक्शन का बात कर लेते हैं। कन्वेक्शन हम लोग को देखने के लिए कहाँ मिलता है, ये हम लोग को फ्लूइड में देखने के लिए मिलता है। फ्लूइड बोलने का मतलब, फ्लूइड का मतलब होता है या तो लिक्विड या तो गैस। ठीक है, सपोज़ ये आपका एक कंटेनर है जिसमें कि हम लोगों ने वाटर फिल करके रखा है। ठीक है, वाटर इसमें हम लोगों ने भर दिया और एक हीटिंग सोर्स के थ्रू हम लोग इसको हीट कर गए। ठीक है, हीट करने से क्या होगा कि यहाँ पर का जो भी वाटर है वो क्या होगा, हीट होगा और उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। वॉल्यूम जब उसका बढ़ेगा तो उसका डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी उसका घट जाएगा। जब इसका डेंसिटी घटेगा तो ये क्या होगा, ये ऊपर की ओर उठेगा। ठीक है, ये हीट इन किया, ये ऊपर की ओर उठेगा और इसके चारों तरफ जो भी ठंडा ठंडा पानी है या फिर लोट इससे कम टेम्परेचर का पानी है या इससे हाई डेंसिटी का जो पानी है वो इसके जगह को ऑक्यूपाई कर लेगा। फिर क्या होगा, वो फिर से हीट होगा और फिर वो ऊपर उठ जाएगा और इसके बगल वाला जिसका डेंसिटी उसके उससे ज़्यादा है वो इस जगह को फिर से ऑक्यूपाई कर लेगा। तो इस तरह से क्या होता है कि एक कन्वेक्शन करंट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, और हीट का ट्रांसफर होता है। तो इसमें क्या होगा कि जो लिक्विड को हम लोग यहाँ पे हीट किए या फिर जो लिक्विड यहाँ पर हीट गेन किया है वो ऊपर जाएगा। ठीक है, यहाँ जब पहुँचेगा तो हम लोग उसको यदि ऊपर से टेम्परेचर के थ्रू
या फिर अपने हाथ के थ्रू टच करके चेक करेंगे तब हम लोग को पता चलेगा कि वो हीट हुआ है। यानी कि हीट के ट्रांसफर के लिए मटेरियल को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होना पड़ता है कन्वेक्शन में, ठीक है। और ऐसा हम लोग को लिक्विड के अलावा और कहाँ देखने के लिए मिलता है, गैस में, ठीक है। और इसका एग्जांपल यदि आप देखना चाहते हैं तो आप लोग यदि कभी समंदर के किनारे गए होंगे, जैसे कि ये आपका समंदर है, ठीक है, ये आपका बीच वाला एरिया है, इधर मान लेते हैं कि ये सड़क है, ठीक है, और इधर आपका पानी है। तो आप समंदर के किनारे यदि आप सुबह सुबह जाते हैं तो क्या होगा, होता क्या है कि सुबह सुबह ये हम लोग का जो समंदर का पानी है वो उतना जल्दी सूरज का रोशनी के कारण गर्म नहीं हो पाता है। तो जब ये गर्म नहीं होगा और ये जो है अर्थ का जो सरफेस है वो हीट के कारण, सूर्य का रोशनी के कारण क्या होता है, जल्दी गर्म हो जाता है। तो हम लोग का ये वाला पार्ट क्या है, ठंडा है, ये वाला पार्ट क्या है, गर्म है, ठीक है। तो जब आप समंदर के किनारे बीच पे जाइएगा तो होगा क्या कि गर्म वाले पार्ट में जो हवा होगा उसका डेंसिटी कम होगा, तो हवा क्या होगा, जो ज़मीन वाला पार्ट है उससे हवा ऊपर उठेगा, और समंदर का सरफेस के ऊपर में जो हवा है वो ठंडा ठंडा हवा होगा, तो वो क्या होगा, ज़मीन के तरफ इस तरह से बढ़ेगा, ठीक है। तो उस समय जब आप सुबह सुबह जाइएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं सी ब्रीज, यानी कि सुबह सुबह जो ठंडा ठंडा हवा हम लोग को मिलता है वो इसी कारण से मिलता है, टेम्परेचर डिफरेंस के कारण, ठीक है। और उसी तरह से जब आप शाम को जाइएगा तब क्या होगा, तो शाम के समय जब सूरज डूब जाता है तो होता क्या है कि ज़मीन जो है जल्दी ठंडा हो जाता है, पानी को ठंडा होने में थोड़ा समय लगता है, तो इधर आप टेम्परेचर कम है, इधर टेम्परेचर ज़्यादा है, तो क्या होगा, इधर का एयर ऊपर की तरफ मूव करेगा और ज़मीन की तरफ से हवा इधर की तरफ आएगा, ठीक है। तो उस समय हम लोग को इस तरफ का ठंडा हवा देखने के लिए मिलेगा, यानी कि हवा का डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो ये सब किसके कारण होता है, तो कन्वेक्शन के कारण होता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे रेडिएशन को, ठीक है। तो रेडिएशन को देखने के लिए थोड़ा सा इसको क्लीन कर लिया जाए। रेडिएशन देख लेते हैं। तो रेडिएशन क्या होता है इसको हम लोग समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग को देखना होगा। जैसे ठंड के दिनों में जनरली लोग क्या करते हैं कि एक इस तरह का चूल्हा होता है, ठीक है, चूल्हा आप लोगों ने देखा होगा, इस तरह से चूल्हा होता है, यहाँ एयर का पॉकेट बना होता है ताकि हवा जा सके, और यहाँ पे एक अरेंजमेंट होता है जिसके थ्रू आप चूल्हा को उठा के कहीं भी लेके जा सकते हैं, यहाँ इसमें कोयला डाला हुआ होता है, और जहाँ भी आपको सेकना है ठंडा के दिन में, चार पाँच लोग बैठ के यदि तो इसका आनंद लेना चाहते हैं गर्मी का, तो उसके लिए यदि मान लेते हैं कि कुछ लोग यहाँ पे इस तरह से बैठे हुए हैं, इधर भी कुछ लोग यहाँ पे इस तरह से बैठे हुए हैं, कुछ लोग इधर भी बैठे हुए हैं, तो क्या होगा कि इन लोगों के पास जो हीट पहुँच रहा है वो किस कारण से पहुँच रहा होगा, आप ही सोचिए। जैसे कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि ये आसपास की हवा को गर्म कर देता है जिसके कारण हम लोग के पास हीट पहुँचता है, लेकिन वैसा तो है नहीं, क्योंकि आसपास का हवा को जब गर्म करेगा तो हवा का डेंसिटी कम हो जाएगा, जब हवा का डेंसिटी कम हो गया तो ये क्या होगा, ये तो ऊपर उठ जाएगा, तो ये हवा के कारण हम लोग को गर्मी लग सकता है, कभी कभी नहीं लगेगा। तो इस चूल्हे से जो हम लोग के पास जो हीट पहुँच रहा है, या जो लोग इसके अगल बगल बैठे हुए हैं उनके पास जो हीट पहुँच रहा है वो किस कारण से पहुँचता है, रेडिएशन के कारण, ठीक है। कोई भी हॉट ऑब्जेक्ट होता है वो क्या करता है, हीट को रेडिएट करता है, ठीक है, इस रेडिएशन के कारण ही हीट आप तक पहुँच रहा है। यानी कि ये हीट ट्रांसफर का ऐसा मोड है जिसके थ्रू हीट का ट्रांसफर बिना बीच वाले मीडियम को हीट किए होता है, ठीक है, और इसी के थ्रू यानी रेडिएशन के थ्रू ही सन से, जैसे ये आपका सन है, तो सन से अर्थ पे इसी रेडिएशन के थ्रू ही हीट एनर्जी पहुंचता है, ठीक है, क्योंकि इसके बीच में वैक्यूम है, फिर उसके बाद हम लोग का अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ठीक है, फिर
फिर उसके बाद ये हम लोग का, मान लेते हैं कि ये हम लोग का अर्थ है, अर्थ का एटमोसफेयर है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये अर्थ पे आता है, तो ये इस मीडियम को बिना हीट किए ही यहाँ तक पहुँचता है। तो जिस मोड के थ्रू ये पहुँचता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडिएशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये आज हम लोग का कंसेप्ट था कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन का। तो यहाँ पे ये वीडियो कंप्लीट होता है। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको कहीं डाउट है तो कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो अपलोड कर दूँगा। ठीक है, थैंक यू।